अपने स्मार्टफोन्स में वॉलपेपर्स रखना सबको पसंद है और वॉलपेपर्स पूरे स्मार्टफोन की और हमारी भी पूरी वाइब चेंज कर देता है। सो मैं आपके लिए 10 बेस्ट वॉलपेपर्स लेके आया हूँ जो कि मेरे हिसाब से कूल लगते हैं एंड स्टैंड आउट करते हैं। इसमें मैंने सारी कैटेगरीज को इंक्लूड करने की कोशिश की है, जैसे कि लाइव वॉलपेपर्स, एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर्स, मिनिमलिस्टिक वॉलपेपर्स, यहाँ तक कि नियॉन लाइट वॉलपेपर्स और ग्रेफिटी वाइब्स वाले वॉलपेपर्स, और एनिमे लवर्स के लिए एनिमे वॉलपेपर भी है। मैंने बहुत सारे सोर्सेस एक्सप्लोर किए और उसमें से जो मुझे बेस्ट वॉलपेपर्स लगे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, और जहाँ से मैंने वॉलपेपर्स लिए हैं उसके उन सब के सोर्सेस भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, सो आप वहाँ से देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में जाते जाते रास्ते में सब्सक्राइब का बटन है तो वो दबा देना, वरना आप रास्ता भूल जाओगे। जनरली जो लाइव वॉलपेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारा कुछ चलता रहता है, हमें पता भी नहीं होता है, बहुत सारे एनिमेशंस और कलर चेंजेस होते रहते हैं, उसकी वजह से बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देता है। सो मैंने बहुत सारे लाइव वॉलपेपर्स देखे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही कोई भी लाइव वॉलपेपर रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उससे आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। लेकिन जो मुझे बेस्ट लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन मिला है वो है लाइव वॉल। इसे आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर में, ये फ्री है बिल्कुल एप्लीकेशन, और इसमें बहुत सारे अच्छे लाइव वॉलपेपर्स है। फर्स्ट है ये कार, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मूव नहीं हो रहा लेकिन फिर भी ये लाइव वॉलपेपर है क्योंकि इसके लाइट पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, सो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है सो बैटरी भी ड्रेन बहुत कम करता है। लाइक मैंने ये वॉलपेपर पूरे एक दिन रखा सो मुझे बैटरी में बहुत ज़्यादा कुछ इम्पेक्ट नहीं पड़ा, और दिखने में बहुत अच्छा लगता है ये वॉलपेपर। अगर आप एक एंथुसियास्ट है और आपको एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी इन सब में इंटरेस्ट है तो ये बेस्ट वॉलपेपर है आपके लिए। बीच में एंड्रॉयड लोगो है एंड इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है, सो ये सर्किट बोर्ड वाला वॉलपेपर बहुत ही ऑसम है। नेक्स्ट, अगर आपको एक सिंपल लाइव वॉलपेपर चाहिए तो ये चेकआउट करो, बहुत ही सिंपल सा मिनिमल सा बीच है और उसमें सी शोर में वेव्स टकरा रही हैं, सो बहुत ही सिंपल एंड रिलैक्सिंग वाइब देता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी इस ऐप में बहुत सारे अच्छे वॉलपेपर्स हैं। अब मुझे पर्सनली अपने फ़ोन में मिनिमलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर्स पसंद है, सो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ बैकड्रॉप्स। ये ऐप को मैं करीब 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इस ऐप के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लाइक इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, मिनिमलिस्टिक, नेचर, फोटोग्राफी, एनिमल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत ही यूनिक वॉलपेपर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर कोई भी एक नए फ़ोन के लिए वॉलपेपर लॉन्च होता है या फिर कोई भी सोर्स से वॉलपेपर नया वॉलपेपर अपलोड होता है तो इसमें कुछ ही दिनों में वो वॉलपेपर आ जाता है, सो ये एक प्लस पॉइंट है इस ऐप का। और इस ऐप को यूज़ करना भी सिंपल है, आप कैटेगरी वाइज भी चूज़ कर सकते हो और अप्लाई करना वॉलपेपर भी बहुत सिंपल है। और इसमें कुछ कुछ वॉलपेपर्स हैं, मतलब सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे वॉलपेपर्स आप अपनी गैलरी में सेव भी कर सकते हो। अब अगर कैसा लगेगा कि आप एक ही वॉलपेपर को 10 अलग अलग वॉलपेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सुनने में बड़ा एक्साइटिंग लगता है राइट? इसे आप एक्चुअली में कर सकते हो। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है वॉलपेपर मोडर। आपका कोई भी एग्जिस्टिंग वॉलपेपर है उसकी आप ह्यू चेंज कर सकते हो, सेचुरेशन चेंज कर सकते हो और बिल्कुल ही एक आपको डिफरेंट वॉलपेपर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वॉलपेपर ले लो, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो इसकी ब्राइटनेस भी आप कम कर सकते हो और उसके कलर्स भी आपको पसंद नहीं है तो चेंज कर सकते हो, और उसे आप फिर अप्लाई कर दोगे तो आपको एक अलग सा ही वॉलपेपर मिलेगा। एंड इसमें सिर्फ कस्टमाइजेशन इसकी लिमिटेशन नहीं है, इसमें भी बहुत सारे वॉलपेपर्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, सो आप इसमें से भी डायरेक्ट उठा के वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हो। अब ज़्यादातर फोन्स में एमोलेड डिस्प्ले आती है, सो उसके लिए अगर आपको परफेक्ट ब्लैक एंड सिंपल वॉलपेपर चाहिए तो ये वॉलपेपर चेकआउट करो। लाइक एकदम सिंपल वॉलपेपर है लेकिन साथ साथ एक अग्रेसिव लुक देता है आपके फोन को, और परफेक्ट ब्लैकआउट्स है कॉर्नर में भी, परफेक्ट ब्लैक कलर है इस वॉलपेपर का। ये वॉलपेपर आपको वॉली 4 के नाम की एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा, और इस एप्लीकेशन में नॉर्मल कैटेगरीज के अलावा बहुत सारी यूनिक कैटेगरीज है वॉलपेपर्स की, जैसे कि नियॉन लाइट वॉलपेपर्स और ग्रेफिटी वॉलपेपर्स और एनिमे वॉलपेपर्स। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक आप स्पाइडरमैन का वॉलपेपर रखना चाहते हैं तो वो भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक ये नियॉन लाइट वॉलपेपर देखिए, बहुत ही ऑसम लगता है फोन में, सो ये ऐप डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा मैं आपको। अब अगर आप एनिमे के फैन हैं एंड आपको एनिमे के बहुत ही यूनिक अलग अलग वॉलपेपर्स चाहिए तो आपको चेक करना चाहिए सेज एप्लीकेशन। इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में वॉलपेपर्स अवेलेबल है, और इसकी खास बात यह है कि अगर आपने कोई भी एक वॉलपेपर चूज किया तो उसके साथ आपको स्वाइप राइट करने से उसके जैसे सिमिलर वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएगी जो आपको सिमिलर वाइब्स देगा। और कई बार होता है कि हम एक वॉलपेपर चूज करते हैं लेकिन उसमें हम थोड़े से चेंजेस अगर होते तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ऐसा हम सोचते हैं। सो इसमें स्वाइप राइट करने से बहुत सारे ऐसे सेम टू सेम लेकिन
थोड़े से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे और इसकी क्वालिटी भी बहुत हाई है। सो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वॉलपेपर्स चेकआउट करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे सोर्सेस दे रखे हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।